हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज. टुडेज ऑप्टिमिज्म का ज्ञान. डोंट वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन. बिगिन एंड इंस्पिरेशन विल फाइंड यू. इसका मतलब होता है कि हमको कभी भी इंस्पिरेशन, जब हम इंस्पायर होंगे कहीं भी, है ना, केवल इंस्पिरेशन नहीं आया. जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो हम एक दो दिन पढ़े, फिर हो गया पढ़ना छोड़ दिए, फिर अचानक से वीडियो देखे कोई सा, मोटिवेशनल वीडियोज हम सर्च कर रहे हैं, है ना, फिर वो ओहो जब कोई सा वीडियो दे बहुत इंस्पायर हुए, पढ़ने लगे एक दो दिन में. वो ये सब जो होता है, देखिए, वो बाहरी इंस्पिरेशन होता है, वो थोड़े दिन के लिए रहेगा आपके पास में. और ये रियल है कि जब हम बाहर से कभी इंस्पायर होते हैं तो हम बहुत कम दिन तक इंस्पायर रह सकते हैं. जब आप किसी को देखेंगे फिर आपको लगेगा नहीं मुझे ये करना है ऐसा. जब आप अंदर से इंस्पायर होंगे, आप कुछ कीजिए, जब आप कुछ करने लगेंगे, है ना, जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ, जैसे कि हमने पहले भी ऑप्टिमिज्म के ज्ञान में देखा है, जब आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, जब आप सेल्फ इंस्पायर्ड होते हैं, अंदर से इंस्पिरेशन आती है इंसान को, है ना. तो आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान यही है कि डोंट वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन, बिगिन एंड इंस्पिरेशन विल फाइंड यू. सो Let's now begin. Today, we will talk about Padma Awards 2021. This is the most important topic, जो कि आपके सभी एग्जाम में, चाहे वो SSC हो, PSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे CG व्यापम हो, किसी भी प्रकार के सभी एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पद्मा अवार्ड 2021. तो आज हम देखते हैं कि ये क्या है, किस तरह से किसको मिलता है, क्या इसके क्राइटेरियाज हैं, है ना. इन अ नटशेल, इंडियन सिटीजन्स आर ऑनर्ड विद सिविलियन अवार्ड्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री. तो सबसे पहले यदि आपको कुछ जानना है पद्मा अवार्ड्स के बारे में, तो वो ये है, इट इज़ अ सिविलियन अवार्ड. फिर उसके बाद आपके मन में आ रहा होगा कि सिविलियन अवार्ड तो है, या फिर नहीं भी आ रहा है तो यदि एग्जाम में आया, विच इज़ द फर्स्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. तो पहला सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न. ये आप नोट कर लीजिए कि भारत रत्न हमारे देश का पहला सिविलियन अवार्ड है. उसके बाद आता है पद्म विभूषण, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पद्म भूषण, फोर्थ पद्म श्री. ये जो है लिस्ट है सिविलियन अवार्ड्स की, है ना. तो ये पद्मा अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? इट इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना. दिस ईयर देर आर टोटल 119 पद्मा अवार्डीज, ठीक है. फिर हम देखते हैं विनर्स ऑफ द पद्मा अवार्ड 2021. तो उससे पहले आप ये जानिए, पद्म भूषण और पद्मश्री किस लिए दिया जाता है? तो पद्म विभूषण इज गिवन टू दोज हु हैव शोन रिमार्केबल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस. रिमार्केबल, है ना, रिमार्केबल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस. आप केवल ईयरफोन डाल के सुनिए, बाकी याद कराने का काम मेरा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है. जब आप, क्योंकि कुछ भी चीज़ बार बार सुनते हैं तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं, है ना. और फिर हम, जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा, PSC हो चाहे कोई सा भी हो, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिवाइज करेंगे, तो वो आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा, फिर एग्जाम में आप नहीं भूलेंगे, है ना. तो पद्म विभूषण में यदि कुछ याद करना है तो वो क्या है, रिमार्केबल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ठीक है. देन पद्म भूषण के लिए आप याद रखिए, दिस इज अवॉर्डेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ ए हायर लेवल. तो इसमें क्या याद करना है, फर्स्ट में क्या याद करना था, रिमार्केबल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस. सेकेंड में याद क्या करना है आपको, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ ए हायर लेवल. देन आता है पद्मश्री. तो पद्मश्री इज ग्रांटेड टू पीपल हु हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनल सर्विस,
है ना। एक्सेप्शनल सर्विस, तो इसमें क्या याद रखना है आपको, एक्सेप्शनल सर्विस, फिर से आई रिपीट, फर्स्ट में रिमार्केबल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, सेकेंड में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ ए हायर लेवल, थर्ड में एक्सेप्शनल सर्विस, ठीक है। देन जैसे कि मैंने बताया कि 119 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, कितने, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण एंड 102 पद्म श्री, कितना, फिर से देखते हैं, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पद्मश्री आता है, और साथ में आप ये याद कीजिए कि 29 विमेन रिसिपियंट्स हैं पद्मा की, ठीक है, जिसमें 1 ट्रांसजेंडर है और 16 पोस्ट थॉमस है। पोस्ट थॉमस क्या होता है, मरणोपरांत जिसको दिया जाता है ना। देन आप ये देखिए कि इसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश पद्म अवार्ड्स इन 1954, यानी कि ये चालू कब से हुआ देना, तो ये 1954 से, ठीक है, ये याद की, याद रखना 1954 दिया कब जाता है, ओनली वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर किस तरह से दिया जाता है कि रिपब्लिक डे पे इस ये रिवील किया जाता है कि किसको दिया जाएगा ये पद्म अवार्ड, देन नियरली अबाउट मार्च अप्रैल में ये दे दिया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से, जैसे कि हम सभी जानते हैं लॉकडाउन लगा था, इसलिए वो अभी नवंबर में दिया जा रहा है। यदि आपने लाइव टेलीकास्ट देखा होगा पद्म अवार्ड्स का, तो आप ये देखे होंगे कि 2 दिन मिला है, तो मैं आगे डिस्कस करूंगी कि किस लिए 2 दिन ये अवार्ड दिया गया है ना। फिर आगे ये देखिए जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यदि आप पीएससी दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पद्म अवार्ड इज नॉट ए टाइटल। क्या, पद्म अवार्ड इज नॉट ए टाइटल, ये एक टाइटल नहीं है, एंड इट कांट बी यूज एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स टू द रिसिपियंट्स नेम, यानी कि ये ना ही कोई टाइटल है और किसी के नाम के ना आगे ना पीछे ये लगाया जा सकता है, याद रखना इसको, है ना। तो जो जब दिया जाता है तो मिलता क्या क्या, इट इज प्रेजेंटेड विद अ मेडेलियन एंड अ सनद साइंड बाय इंडियाज प्रेसिडेंट, अ टाइनी रेप्लिका इज ऑल्सो हैंडेड टू द रिसिपियंट विच दे मे वेयर ड्यूरिंग सेरेमोनियन एंड स्टेट सेरेमनीज। टाइनी रेप्लिका दे दिया जाता है उन लोगों को कि वो लोग जो है कभी कुछ किसी भी राज्य में कुछ हो रहा है तो वो पहन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप पिक्चर देख लीजिए, ये पद्म विभूषण की है, ये पद्म भूषण है और ये पद्म श्री है, इस तरह से ये दिखाई देता है ना। फिर उसके बाद क्या है कि जब पद्म अवार्ड दे दिया जाता है तो उनके नाम इंडियन गैजेट में पब्लिश किए जाते हैं। नेक्स्ट, पद्म अवार्ड्स जो टोटल हम पद्म अवार्ड्स देते हैं, इट शुड नॉट एक्सीड 120, इस साल 119 दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन टोटल जो है 120 से एक्सीड नहीं करना चाहिए पद्म अवार्ड, एक्सीड 120 एक्सक्लूडिंग पोस्ट थॉमस अवार्ड्स एंड ऑनर्स ग्रांटेड टू फॉरेनर्स एनआरआईज एंड ओसीआईज, यानी कि 120 ओवरऑल इंडिया में जो दिए जा रहे हैं, जिसमें कि पोस्ट थॉमस यानी कि जो मरणोपरांत दिए गए हैं या फिर एनआरआईज फॉरेनर्स को दिए जाए उनको छोड़ करके, है ना। फिर उसके बाद आता है हु मेक्स द डिसीजन, तो डिसीजन कौन लेता है कि अच्छा ठीक है इन ये लोगों को पद्म अवार्ड देना है, तो जो भी डिसीजन लिया जाता है, द पद्म अवार्ड्स आर ग्रांटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पद्म अवार्ड कमिटी विच इज फॉर्म्ड एवरी ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन लिया जाता है वो पद्म अवार्ड कमिटी के द्वारा लिया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हर साल गठित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हु इज एलिजिबल, तो एलिजिबल कौन है ना, हु इज एलिजिबल फॉर द पद्म अवार्ड। दीज प्राइजेस आर अवेलेबल टू एनीबडी रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी करियर जेंडर और सोशल स्टेटस, यानी कि इसको ये कोई भी इस तरह से भेद नहीं किया जाता है कि पर्टिकुलरली केवल हम इसी रिलीजन को देंगे, इसी जेंडर को देंगे, इसी कास्ट को देंगे या इसी सोशल स्टेटस जिसके पास है उनको देंगे, नहीं,
आपको ये याद रखना है कि पद्मा अवार्ड्स आर अवेलेबल टू एनीबडी रिगार्डलेस ऑफ एथनीसिटी, करियर, जेंडर और सोशल स्टेटस, ठीक है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है, वेदर भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स और गिवन टू फॉरेनर्स, तो आंसर होगा यस। इसका मतलब यह है कि भारत रत्न और साथ में पद्मा अवार्ड, यदि हम पद्मा अवार्ड बोलते हैं तो यानी कि वो तीनों आ जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, यानी कि ये जो है फॉरेनर्स को भी दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो आता है कि द पद्मा अवार्ड इज ग्रांटेड, किसको ग्रांट किया जाता है यानी कि दिया किसको जाता है, इज ग्रांटेड फॉर रिमार्केबल accomplishments in all disciplines of knowledge and attempts to recognize works of quality. इसका मतलब यह है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किन किन कैटेगरीज में पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है, ऐसा नहीं है कि केवल ये कैटेगरी जो है जरूरी है इसी को फॉलो करना, ये आपको समझाने के लिए है। पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, फोटोग्राफी, थिएटर, सिनेमा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, यानी कि किसी भी प्रकार का आर्ट होना चाहिए। वो आर्ट क्या हो सकता है, फोटोग्राफी है ना, फोटोग्राफी, स्कल्पचर मूर्तिकला है ना, पेंटिंग, म्यूजिक, थिएटर, सिनेमा, ठीक है। देन आता है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आप सभी लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक्सीलेंस इन द सिविल सर्विस, यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको जो है पद्म अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, तो आपको अच्छा काम करना है इन फ्यूचर, है ना। तो एजुकेशन एंड लिटरेचर में दिया जाता है, एजुकेशन एंड लिटरेचर में क्या क्या आ सकता है, जर्नलिज्म, बुक राइटिंग, टीचिंग, यदि आप अच्छे एक शिक्षक हैं तो भी दिया जाता है, लिटरेचर, पोएट्री, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड लिटरेसी अपलिफ्टमेंट, यानी कि किसी ने यदि क्या बोलते हैं, किसी की शिक्षा के लिए काम किया है, जैसे कि हमने एक दो दिन पहले डिस्कस किया था हमारी न्यूज़ में, जिनको बस्तर का गांधी कहा जाता है, अब आप आंसर बताएंगे कि बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1992 में, आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसको बस्तर का गांधी कहा जाता है। देन मेडिसिन आ जाइए इधर, मेडिसिन, तो मेडिसिन में मेडिकल रिसर्च विद स्पेशलाइजेशन इन एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देन पब्लिक अफेयर्स में, पब्लिक अफेयर्स में क्या क्या आते हैं, लॉ, पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ, यानी कि यदि पॉलिटिक्स में भी यदि कोई अच्छा करता है तो उसको भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। देन साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप क्या समझते हैं, न्यूक्लियर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग, साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स, उससे कुछ भी रिलेट यदि कोई फील्ड हो। फिर उसके बाद क्या आता है, सोशल लेबर, सोशल लेबर व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स सोशल वर्क, यदि कोई समाज सेवा करता है उसमें भी, तो समाज सेवा में क्या आ सकते हैं, चैरिटेबल सर्विस, सोशल सर्विस, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इस साल जो है सोशल वर्क में जो है, वैसे तो बहुत से अवार्ड्स दिए गए हैं 119 जैसा कि हमने देखा, लेकिन सोशल वर्क में 5 विमेन्स को मिला है, ठीक है, जो कि यदि हम किसी दिन यदि डिस्कस करेंगे तो मैं उसको बताऊंगी, ये वैल्यू एडिशन में बहुत यूज़ हो सकता है, यदि कोई ऐसे आता है विमेन एम्पावरमेंट में या विमेन से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है तो उसमें आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, है ना। देन आ जाइए इधर स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में क्या है, एथलेटिक्स, एडवेंचर, माउंटेनियरिंग, स्पोर्ट्स प्रमोशन, यानी कि यदि कोई खेल भी नहीं रहा है स्पोर्ट्स का प्रमोशन भी कर रहा है उसके लिए योगा, है ना, इसमें भी जो है और अदर पॉपुलर एक्टिविटीज यानी कि स्पोर्ट्स में भी दिया जाता है। देन आता है एग्जांपल ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में क्या क्या आ सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, टूरिज्म, टूरिज्म प्रमोशन, बैंकिंग, मैनेजमेंट एंड सो ऑन।
अब इसके अलावा अदर्स एक कैटेगरी होती है, अदर्स ये एक कैटेगरी इस तरह से होती है, यदि कोई इन सभी जो हमने अभी आगे ऊपर डिस्कस किया है, यदि इनमें यदि कोई नहीं है तो अदर्स कैटेगरी में, अदर्स कैटेगरी में क्या आता है, सब्जेक्ट्स नॉट कवर्ड अबव, ठीक है, इंक्लूड डिसेमिनेशन ऑफ इंडियन कल्चर, यदि कोई कोई भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, डिसेमिनेशन ऑफ इंडियन कल्चर इसका मतलब होता है स्पिरिचुअलिज्म में भी दिया जा सकता है ना, स्पिरिचुअलिटी यदि कोई प्रीच करता है उसमें भी उसको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। फिर उसके बाद आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ नाम दे दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, आपको फोर ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप है ना, तो आप सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने बताया 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं 2021 में, तो किसको किसको मिला है, तो वो है शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन है, जापान पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, उनको किस फील्ड में दिया गया, उनको पब्लिक अफेयर में मिला है। देन बाला स्वामी, एस पी बाला सुब्रमण्यम, एस पी बाला सुब्रमण्यम, उनको वो तमिलनाडु से, उनको आर्ट में मिला है। देन डॉक्टर बेली मुनप्पा हेगड़े, कर्नाटका से मेडिसिन में मिला है। फिर देन श्री नरेंद्र सिंह कपानी, मरणोपरांत दिया गया है इनको, ये यूएस से हैं, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है। देन मौलाना वहीदीन खान, इनको ये दिल्ली से हैं, इनको स्पिरिचुअलिज्म में मिला है, जैसे कि मैंने बताया अदर्स कैटेगरी जो होती है वो स्पिरिचुअलिज्म है ना। देन श्री बीबी लाल, जिसको जो दिल्ली से हैं, जिनको आर्कियोलॉजी में मिला है। देन श्री सुदर्शन साहू, जो कि उड़ीसा से हैं, इनको आर्ट में मिला है। अगेन आप ये चिंता मत करो कि याद कैसे होगा, याद मैं करवा दूंगी, आगे हम किसी क्लास में फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे, है ना। और पहली बात, कोई भी चीज़ को याद करने का एक जो तरीका है वो ये है, उसको आप बार बार पढ़िए तो आपको चीज़ें याद होती हैं। एक बार फिर बोलते, शिंजो आबे, जापान, पब्लिक अफेयर, ठीक है, आप बस बस आप सुनते जाइए। एस पी बाला सुब्रमण्यम स्वामी, तमिलनाडु, आर्ट, तमिलनाडु, बाला सुब्रमण्यम, सब सब सिंपल है, बाला सुब्रमण्यम, ये सब जो है साउथ इंडियंस नाम है, साउथ इंडियंस नाम है, यदि आप गूगल में इनका नाम डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या बोलते हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। बहुत ही अच्छे ये जो है संगीतज्ञ हैं तमिलनाडु से, है ना, तो जो है ये आर्ट जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, बस जो याद करना है वो मैं आपको बताती हूँ, शिंजो आबे, जापान, पब्लिक अफेयर, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। देन बाला सुब्रमण्यम स्वामी, आर्ट, तमिलनाडु, देन हेगड़े आप करके याद कर लीजिए, हेगड़े, मेडिसिन, कर्नाटका। हेगड़े भी क्या है, यानी कि साउथ इंडियन नेम है, मतलब उसे हम रिलेट कर सकते हैं, है ना, रिलेट क्या करना, वो क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन नेम ही है, सरनेम है ना। बेली मुनप्पा हेगड़े जो है, हेगड़े जो है कर्नाटका मेडिसिन, हेगड़े कर्नाटका मेडिसिन। देन कपानी, कपानी यूएसए, कपानी यूएसए, साइंस एंड इंजीनियरिंग। मौलाना वहीदीन खान, वहीदीन, यहाँ पे क्या आप याद करिए, वहीदीन, स्पिरिचुअलिज्म, दिल्ली, दिल्ली से दो हैं, जो कि बीबी लाल हैं, जो इनको आर्कियोलॉजी में मिला है वो भी दिल्ली से। देन सुदर्शन साहू, आर्ट में, उड़ीसा से हैं। देन आता है हमारे पास पद्म भूषण, 10 है ना, 10 अवार्ड्स दिए गए हैं पद्म भूषण में, तो किसको किसको मिला है। सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णा नायर, शांता कुमारी, चित्ररथ, है ना, ये केरल से हैं, आर्ट में मिला है। देन तरुण गोगोई, पोस्ट थॉमस है, आसाम से, पब्लिक अफेयर, ठीक है। श्री चंद्रशेखर काम्बरा, जो कि कर्नाटका से हैं, लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है। सुमित्रा महाजन, जो कि मध्य प्रदेश से, इनको पब्लिक अफेयर में मिला है। उत्तर प्रदेश से श्री नृपेंद्र मिश्रा को सिविल सर्विस में मिला है, देखिए नृपेंद्र मिश्रा, सिविल सर्विस। देन रामविलास पासवान, बिहार से, पब्लिक अफेयर में, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि पोस्ट थॉमस। केशुभाई पटेल, गुजरात, पब्लिक अफेयर। कालभे सदीक, उत्तर प्रदेश, स्पिरिचुअलिज्म।
देन रजनीकांत देवीदास श्रॉफ महाराष्ट्र ट्रेड एंड इंडस्ट्री, श्री त्रिलोचन सिंह हरियाणा पद्म पब्लिक अफेयर्स। तो यहाँ पे आप देखिए पब्लिक अफेयर्स के जो हैं तरुण गोगोई हो गए, सुमित्रा महाजन हो गई, रामविलास पासवान हो गए, केशुभाई पटेल हो गए, त्रिलोचन सिंह हो गए, फाइव तो पब्लिक अफेयर हो गए। और ये बहुत ही फेमस पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं जो कि आपको, आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा ज़रूर होगा, है ना। तो आपको भी याद क्या क्या करना है, कृष्णा नायर जो कि केरल से हैं, नायर आप रिलेट कर सकते हैं, यदि नायर आएगा डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि पर्टिकुलरली इनकी फील्ड पूछी जाती है या फिर ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये पूछा जाता है ना। तो आप याद कर सकते हैं नायर केरल आर्ट, नायर केरल आर्ट। देन जो मैंने बताया पब्लिक अफेयर्स तो फाइव याद हो गया आपको, ठीक है। फिर से मैं बोल देती हूँ, तरुण गोगोई, सुमित्रा महाजन, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल, त्रिलोचन सिंह। फिर उसके बाद आ जाइए रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, श्रॉफ से आप रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं जैकी श्रॉफ से, है ना। मैं केवल याद करने के लिए है, ये गलत वे में मत लेना कि ये क्या बोलते जैकी श्रॉफ को मिला है, नहीं जैकी श्रॉफ को नहीं मिला है, केवल याद करने का तरीका है। श्रॉफ महाराष्ट्र, क्योंकि जैकी श्रॉफ यानी कि बॉलीवुड, बॉलीवुड का है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो श्रॉफ यानी कि क्या है, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद आपको फील्ड क्या है, तो फील्ड आप ये याद कर लो कि बॉलीवुड से नहीं इंडस्ट्री से है, क्या है आप याद करोगे, श्रॉफ बॉलीवुड से नहीं इंडस्ट्री से। सिंपल ट्रिक हो गई हमारी, श्रॉफ बॉलीवुड से नहीं इंडस्ट्री से है। देन काल्बे सदीक, सदीक सदीक को आप रिलेट कर सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म, सदीक को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म, जो कि उत्तर प्रदेश से है। देन आप आ जाइए सिविल सर्विस में, ये आपको शायद याद हो जाए, सिविल सर्विस आप सब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, नृपेंद्र मिश्रा को, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। फिर उसके बाद आपको एक चीज जो याद करनी वो है चंद्रशेखर कामरा, चंद्रशेखर कामरा, है ना। अगेन फिर से आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, चंद्रशेखर कामरा किससे, लिटरेचर एंड एजुकेशन, जो कि कर्नाटका से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए पद्मश्री, जो कि 102 दिया गया है ओवरऑल। यदि आप सीजीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको वैसे पद्मश्री अवार्ड की लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारी होती है, हम इतना सारा याद नहीं कर सकते। जो याद करने की चीज़ें होती हैं वह पद्म विभूषण और पद्म भूषण, और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो कर रहे होंगे, चाहे आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद ये देखिए, यदि आप सीजीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से ये 24th नंबर देखिए, श्री राधे श्याम बारले, ये जो है सुप्रसिद्ध पंथी नृत्य करते हैं, है ना, जिनको आर्ट में, ये छत्तीसगढ़ से हैं, इनको जो है इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यदि आप सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यदि क्योंकि अभी जितने भी रिसेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है कि राधेश्याम बारले को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें आंसर होगा पद्मश्री से, है ना। देन आ जाइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन इस तरह से हैं कि यदि पूछा जाएगा कि कितने पद्मश्री दिए गए हैं तो क्या आएगा आंसर, बताइए आप। यस 102। देन पूछा जाएगा कि विमेन रिसिपियंट्स कितनी थी पद्म अवार्ड्स की, आप बताइए आंसर क्या होगा। यस 29। देन व्हेन आर द पद्म अवार्ड्स हैंडेड आउट ईच ईयर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिपब्लिक डे पे ये रिवील किया जाता है कि इनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, यानी नेम रिवील होते हैं, है ना। लेकिन इनको दिया कब जाता है, मार्च अप्रैल में, लेकिन कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया और ये नवंबर में दिया गया, है ना। फिर उसके बाद पूछा जाएगा हु इज इन चार्ज ऑफ नेमिंग द नॉमिनी फॉर द पद्मा अवार्ड, जैसा कि मैंने बताया था पद्मा अवार्ड कमेटी जो है, क्या जो कि प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रेजेंट में है श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो है पद्म अवार्ड कमेटी गठित होती है, वो जो है लिस्ट प्रिपेयर करती है, देन फाइनली प्रेसिडेंट को नाम सौंपे जाते हैं कि इनको इनको अवार्ड्स देने हैं, ठीक है। इस बार लेकिन पद्म अवार्ड में जो है
जो चेंजेस किए गए कि वो पद्मा अवार्ड को जो है जो जो भी नॉमिनेशंस थे है ना, और वैकेंसी जो सिलेक्शन प्रोसीजर थे, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में उसको डेमोक्रेटिक कर दिए थे। डेमोक्रेटिक कर देने का मतलब ये होता है कि लोग अपनी राय दिए हैं, यानी कि पिछले साल जो है इस साल दिया गया है जिस हिसाब से, तो पिछले साल जो है इसको डेमोक्रेटिक कर दिया, यानी कि लोगों के विचार लिए गए हैं कि किसको किसको मिलना चाहिए। तो उस बेसिस पे ये बहुत बड़ा चेंज आया है। यदि आप कुछ पॉइंट लिखते हैं तो ये आप पद्मा अवार्ड की डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा चेंजेस है, कि बहुत बड़ा और वीकेंड से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जहाँ पे पद्मा अवार्ड को भी डेमोक्रेटाइज कर दिया गया, यानी कि लोग अपना विचार रख सकते हैं कि इनको मिलना चाहिए। इन्होंने लोगों ने अपने विचार रखे हैं, साइट्स ओपन की गई थी कि हाँ, जैसे कि आपके एरिया से आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें, इनको किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हुआ है ये पूरा, तब जाकर कि ये पूरी लिस्ट बनी है पद्मा अवार्ड्स की। तो इस तरह से हमने आज क्या डिस्कस किया है, पद्मा अवार्ड। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप देखे होंगे कि 2 दिन मिला है पद्मा अवार्ड, वो कारण ये है कि 2020 में पद्मा अवार्ड नहीं दिए गए थे, ठीक है, कोरोना की वजह से, क्योंकि पूरा लॉकडाउन चल रहा था जिसकी वजह से नहीं दिया गया था। तो इस साल जो है 2020 का और साथ में 2021 का, दोनों का पद्म अवार्ड दिया गया है। फिर आप सोच रहे होंगे, यदि आपने देखा होगा तो उसमें अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज को भी पद्म अवार्ड मिला है ना। तो आप यदि पूछता है एग्जाम में कि इनको क्या 2021 कि ये पद्मा अवार्ड ही है, तो नहीं, ये 2020 के पद्मा अवार्ड ही है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पोस्ट थॉमस मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कुछ। अब इतना सारा चीज तो आप याद नहीं कर सकते, जो आप याद कर सकते हैं वो यही है ना। तो इस तरह हमारा पद्मा अवार्ड 2021 का लेक्चर कंप्लीट हुआ। और भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ में आएंगे, और आपकी यदि कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।